नरसिम्हा। हाँ भैया। Do you know what is this? This is cell phone. You insert a small chip in this, which activates automatically. Then you can. काला अक्षर भैंस बराबर। चाचा जब तीर फेंकते हैं ना तो 1 किलोमीटर दूर जाता है। आप तीर फेंकेंगे तो यहीं पर गिर जाएगा। ए, हाँ। बड़ों के बीच में क्या कर रहे हो? जाओ वहाँ खेलो। हाँ, जाओ। जानते हो ये हम तुम्हारे लिए खास तौर पर अमेरिका से लाए हैं। टेक इट। ये यहाँ काम करेगा? हाँ, 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 100% करेगा। ट्राई तो करो। पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें शायद ना हो पर हमें तो है। हम लोगों को इस कंपाउंड से बाहर जाने के लिए सख्त मना किया गया है। अगर हमें अर्जेंसी में जरूरत होगी तो हम आसानी से तुमसे कांटेक्ट तो कर सकते हैं ना? हाँ भाई, जैसे ही बजेगा मैं आपके पास पलक झपकते ही पहुंच जाऊंगा। ये एक भाई का भाई से वादा है। क्यों जी, इतना पैसा आ गया कि मोबाइल गरीबों में बांट रहे? बात समझो जाने मन, मैं उसे बेवकूफ बना रहा था। अमेरिका से हम कोई नौकर लेकर के तो आया नहीं है। वो उसकी जरूरत पूरी करेगा। अरे ये हमें क्या खिला रही हो? हमारी हेल्थ के बारे में तो सोचो। आपके भाई का कहना है कि ये सब पकवान आपको वहाँ नहीं मिलते होंगे। वो तो पागल है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा पागल निकली। अभी तो उस पागल से शादी कर लिया है। क्यों जी, आपका भाई आपकी तरह पढ़ा लिखा क्यों नहीं है? अरे वो बचपन से टफर था, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट था नहीं तो डैडी ने खेती बाड़ी में लगा दिया। करेक्ट करेक्ट। सुनो विजया, तुम्हें याद है क्या तुम्हारे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि नरसिम्हा की शादी होगी नहीं? उनकी बात क्या करते हो, हमें भी तो यही लग रहा था कि उस अनपढ़ गवार की शादी कभी नहीं होगी। कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहेगा? मैडम की भी शादी नहीं हो रही होगी इसलिए उस इडियट को पकड़ लिया। अरे छोड़ो ये सब, उस गधे को तो लव का ABCD तक नहीं पता। मुझे ताज्जुब हुआ जब ये प्रेग्नेंट हुई। बड़ा चमत्कार है भाई। आप लोगों ने मेरे पति के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माना वो आप लोगों की तरह कीमती सूट नहीं पहनते, महंगी गाड़ियों में नहीं चलते, पर लोग यहाँ उनकी पूजा करते हैं। आप कहते कि मेरे पति पागल है? हाँ है, क्योंकि वो आप सबकी असलियत नहीं जानते। ये नहीं जानते कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्यों भैया, आप तो काफी कुछ कह रहे थे कि मेरे पति गुंडे मवाली हैं। भूल गए आप, जब हर परिवार का एक बच्चा इस गांव की हिफाजत के लिए बलिदान हो रहा था तब परिवारों में से सबसे बड़ा बेटा आगे जा रहा था। आप सब मेरे पति के बड़े भाई हैं, पर आप लोगों ने तो हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। अगर इन्होंने बलिदान नहीं दिया होता तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सब गाँव छोड़कर विदेश में सेटल नहीं हो सकते थे। अगर वो ना होते तो क्या आप लोग इस गाँव में कदम रख पाते? अगर वो आपके साथ एयरपोर्ट ना जाए तो आप लोग गाँव छोड़कर कहीं जा भी नहीं पाएंगे। And what did you say? You think my husband doesn't know ABCD of love? What do you know about love? You feel that the ultimate enjoyment between husband and wife lies inside the bedroom itself? Definitely not. Enjoyment is only a minor part of life. Major part of life is love and affection. You prefer the former, I prefer the latter. आप लोग जानते हैं वो आपको कितना प्यार करते हैं? उनके दिल में झांककर देखने की कोशिश तो कीजिए। उन्होंने आपके लिए कितना त्याग किया है? उनके शरीर के घाव जाकर देखें तो पता चलेगा। अगर मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी कहा आपने तो मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने, वो उन्हीं हाथों से तुम्हारा खून करेगी जिनसे तुम्हारे पैर धोए थे। इसे कहते हैं पति के लिए इज्जत। इन्हें भी कुछ सिखाओ वरना सारी जिंदगी इनके लिए लिपस्टिक पाउडर खरीदने में निकल जाएगी। डर्टी इंडिया, डर्टी विलेज, ये सब जब तुम्हारी बीवियां कह रही थी तब तुम चुपचाप सुन रहे थे और अपने आप को मर्द कहते हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। और हाँ, गलती से भी कभी मेरे इंडिया को डर्टी मत कहना। डर्टी तो तुम हो, तुम डर्टी रास्कल्स। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, सब कुछ लाकर यहाँ रख दो। ताजा ताजा पेड़ से तोड़ के लाए, आपके यहाँ नहीं मिलेंगे। वो बादाम है दिमाग तेज करने के लिए, ये केले और सीताफल इतने मीठे हैं कि क्या बताऊं। ये सब कुछ आप लोगों के लिए लाया हूँ, इसमें लीची है, इसमें सेब है। क्या हुआ भैया, मुझसे कोई गलती हो गई? बंद कर अपना ये नाटक। तुझे क्या लगता है हम यहाँ तेरे रहमो करम पर जीने नहीं आए? तुझे क्या लगता है हम तेरी वजह से जिंदा है? हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे इसलिए लाखों रुपए खर्च करके अब आए हैं। ये सोचा कि गोद भराई की रस्म भी देखते जाएंगे लेकिन मन भर गया भाई। किसी ने आपसे बदतमीजी की क्या? आके तुम्हारे भाई किसी काम के नहीं। किसने कहा? तुम्हारी पत्नी ने। उसने ये भी कहा कि वो सभी भाइयों को मार डालेगी। श्रेया बाहर आओ, यहाँ आओ। तुमने कायर का भैया को? पहले उनसे पूछी मैंने ऐसा क्यों कहा। क्या तुमने उनसे कहा कि तुम उन्हें मार डालोगी? कहा
ए नरसिम्हा, ये क्या कर रहे हो? गर्भवती औरत पर हाथ उठा रहे हो? आप नहीं जानते, इसने मेरे भाइयों के साथ बदतमीजी की है। सुनो, चलो उनके पैर छुओ, पैर छुओ। मैं इन लोगों के पैर नहीं छूंगी, इनको आपके पैर छूने चाहिए। मुझसे ज़बान लड़ाती है। उस बेचारी से कहीं ज्यादा मैंने इन सब की बेइज्जती की। क्या मुझसे भी कहोगे कि मैं इन सब के पैर छूं? नहीं नहीं, आप तो हम सबसे बड़े हैं। मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ कि आप उनके पैर छुए? पर इसे क्या हक है? घर की बहू है, छोटी है, बड़ों से इस तरह कैसे पेश आ सकती है? आपके संस्कार ने इसे बचा लिया, वरना जी तो कर रहा है इन हाथों से इसका गला घोट दूं। इसकी जो हद है, अगर ये उसी में रहे तो इसके लिए बेहतर होगा। सुनो, या तो पैर पड़ो या फिर मुझसे रिश्ता तोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। इससे कहिए चली जाए। अगर ये नहीं गई, मेरी नजरों के सामने से नहीं हटी, तो हो सकता है कि मैं इसका खून कर दूं। इससे बोलो चली जाए, चली जाए। तुम यहाँ रहने के लायक नहीं, निकल जाओ। मुझे उस वक्त बुरा नहीं लगा था जब आपके पिताजी ने शादी के लिए झूठ कहा था। मुझे उस वक्त भी बुरा नहीं लगा जब आपने मेरे दिए हुए कपड़े पहनने से इनकार किया। पर आज बिना सच्चाई जाने आप मुझे घर से निकाल रहे हैं, जिन बड़े भाइयों को आप भगवान की तरह पूछते हैं, उनकी नजरों में आप कुछ नहीं। उसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भैया। दादाजी, रोना बंद करो बेटी। वैसे भी बेटी की पहली डिलीवरी माँ बाप के घर पर ही तो होती है। शायद भगवान की ही मर्जी थी, इसलिए तो ये सब हुआ। जीजा जी का गुस्सा कुछ दिनों में ठंडा हो जाएगा, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। दीदी तुम चिंता मत करो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पति को। बहन, तुम्हारे पास बहुत पैसा है जिससे तुम दुनिया की हर चीज खरीद सकती हो, मगर शांति नहीं। जिस नरसिम्हा ने तुम्हारी ये हालत की है, वक्त आ गया उसे मौत के घाट उतारने का। उस नरसिम्हा के पूरे परिवार को मैं नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मौत के घाट उतारूंगा। बहन, बाहर चलो, बाहर चलो और सूर्य उदय देखो, क्योंकि सूर्यास्त से पहले ही मैं उस नरसिम्हा के पूरे परिवार को मैं शमशान पहुंचा दूंगा। इस पागल को क्या हुआ? गूंगा हो गया क्या? इन्होंने मौन व्रत रखा है, आज कुछ नहीं बोलेंगे। पर ये कहना क्या चाहता है? हम अपने साथ लड्डू लाए हैं, इसलिए फटाफट खाए और हमें गुरु दक्षिणा दीजिए, जल्दी कीजिए। गुरु दक्षिणा चाहिए? गुरु दक्षिणा? हंस कर दिया मुझे। कितने मुश्किल से पिछले आधे घंटे से मौन व्रत रखा था। सुनिए, मौका बड़ा अच्छा है, शगुन भी बड़ा अच्छा है। संध्या, नरसिम्हा जी को लड्डू खिलाओ, वो पापा बन गए, रघुपति जी भी दादा बन गए हैं, चलो उन्हें भी खिलाओ। पहले ये तो बताओ कि घर में आया कौन है, राजकुमार या राजकुमारी? ये क्या मालिक, आपने क्या कहा था, भूल गए? अंदर आपने मुझे ऊपर करते हुए कहा था कि पोता दादा जैसा हैंडसम होना चाहिए, तो मैंने भी आपको कोरे कागज पर लिख कर दिया था, आपको एक हैंडसम पोता होगा। इन्हें बताओ कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। चलो इनको लड्डू खिलाओ जल्दी। कांग्रेचुलेशंस जीजा जी। ये क्या, आप कहीं खुशी छुपा तो नहीं रहे हो? ओहो हो, अब समझी, आपने तो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है ना। बेटा हुआ है जीजू, अब तो मुस्कुरा दो। नमस्कार रघु जी, कैसे हैं आप? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? कोई खास बात? कुछ खास नहीं। तो फिर यहाँ आने की वजह क्या है? हमने इन्हें बुलाया। लेकिन क्यों बेटा? हमारी सिक्योरिटी के लिए पिताजी। सिक्योरिटी? लेकिन तुम्हें किस बात का खतरा? वापस जाते समय किसी ने अटैक कर दिया तो? तुम वापस जा रहे हो? जब मैं पूछ रहा हूं तब तुम मुझे बता रहे हो? रिटर्न टिकट्स कंफर्म होने के बाद ही तो बताएंगे। अच्छा, नरसिम्हा को बिना बताए जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। हम तैयार हैं। भूलो मत, नरसिम्हा को बेटा हुआ है, उसकी औलाद को आशीर्वाद देना तुम्हारा फर्ज नहीं बनता। लेकिन टिकट्स कैंसिल करना बहुत मुश्किल है। तुम उसके बेटे के लिए अपनी टिकट नहीं कैंसिल करवा सकते, और वो तुम लोगों के लिए अपनी शादी कैंसिल करवा रहा था। मैंने उसे समझाया, मिन्नतें की, तब जाकर उसने तुम्हारी फोटो रखकर शादी की। और उसके बच्चे के लिए तुम लोगों के पास वक्त नहीं है? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। बेचारा,
जानते हो वो तुम लोगों से कितना प्यार करता है? सॉरी पिताजी, इन बकवास बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। रुक जाइए भैया। भैया, मैं जानता हूँ कि आप लोग श्रेया की बातों का बुरा मानकर जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर मैं अपने बेटे को जाकर ना मिलूं। लेकिन आप लोग इस तरह गांव से बाहर नहीं जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं। क्यों ना जाएं? गोवर प्रताप के लोग आपको मारना चाहते हैं। आप लोग कब यहाँ से बाहर निकले वो लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। अपने छोटे भाई की बात मान लीजिए। क्या कहा? तुम भी अपने पति की तरह अपने भाइयों को कमजोर समझते हो? तुम ये सोच रहे हो कि हम सब कायर हैं, तुम्हारे बगैर यहाँ से जा नहीं सकते? डैडी डैडी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डैडी, चाचा की बात मान लीजिए ना। शट अप, कम ऑन, चलते हैं। भैया, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नरसिम्हा, बेहतर होगा रास्ते से हट जाओ, वरना हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। इंस्पेक्टर, जल्दी चलिए। सुनो, जीप निकालो, मुझे अपने पोते को देखने जाना है। चलो। मुझे मालूम है कुंवर प्रताप सिंह सबसे पहले मुझे मौत के घाट उतारेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके हाथों मारा जाऊं? अपने बूढ़े बाप की रक्षा नहीं करोगे? मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर घर के अंदर नहीं जाऊंगा।